नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, आज मैं पुनः एक जो जीआईसी प्रवक्ता 2021 में जो अभी कल ही जो परीक्षा हुई है संस्कृत की उत्तर प्रदेश में, तो उस संस्कृत प्रश्न पत्र की जितने भी संस्कृत के प्रश्न हैं 80 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर लेकर के आंसर की के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए, स्वागत है आपका। आप जिन्होंने भी परीक्षा दी है वह अपने प्रश्न इस तरीके से मिलाएं और देखें। तो संस्कृत वाले जिन्होंने भी परीक्षा दी है वो इतना जानते ही हैं, 40 तक उनके प्रश्न सामान्य ज्ञान से होते हैं और अग्रिम प्रश्न 120 तक वो अपने विषय यानी कि संस्कृत के होते हैं। तो हम 41 से आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी से एक विषय के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट रूप से आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वह प्रश्न यदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या है, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आरंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और संस्कृत जिज्ञासुओं तक, अन्य लोगों तक भी इसकी लिंक को शेयर करें। तो आइए आरंभ करते हैं। तो यह प्रश्न, पहला प्रश्न है यानी कि 41वां प्रश्न है, यज्जाग्रतो दूर मुदैति देवम दैवम इत्यनेन संबद्धम सूक्तम अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिव संकल्प सूक्तम। तो हमारा यहाँ पर 42वां प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, उसमें सूक्तियों को मिलाना है। तो शमानी वह आकुति शमानी हृदयानी वह, इसका जो सही विकल्प है इसका तीसरा विकल्प है यानी कि यजुर्वेद। फिर उसके बाद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका सही विकल्प है तैत्रीयोपनिषद यानी कि चौथा। फिर उसके बाद है संगच्छद्म संगवदद्म संगो मनांक्ष जानताम, यह जो सूक्ति है यह सूक्ति यानी कि यह सी है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा वाला। फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह बृहदारण्यकोपनिषद। तो इस क्रम से मिलाएं तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक मित्र ने निशान लगाए भी हैं किंतु कई प्रश्नों में त्रुटि हुई है, उनको हम अच्छी प्रकार से देखेंगे, और कई प्रश्न उन्होंने नहीं लगाए हैं, लगभग बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं। तो इन जो उन्होंने निशान लगाए रखे हैं उन पर न देखें, जो मैं बता रहा हूँ वह आप जानें। 43वां प्रश्न है, कठोपनिषदि नचिकेतसा याचित वरदानानी यथाक्रमं संयोज्य शुद्धम विकल्पम चिनोत। अर्थात जो नचिकेता ने यम से जो वरदान मांगे थे उनका क्रम क्या है, तो सर्वप्रथम उन्होंने पितृपरितोष का मांगा था, फिर अग्निविद्या मांगा था, फिर आत्मतत्व ज्ञान माना था, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है विद्यामृत मश्नुते उक्तो रश्या मूल स्रोतोष्टि, तो यह ईशावास्योपनिषद से ली गई है, डी विकल्प सही होगा। यं क्रंदसी अवसातस्तभाने इत्यत्र अवसापदस्य को अर्थः, यह प्रजापति ने हिरण्यगर्भ सूक्त से प्रजापति सूक्त से लिया गया है, इसका जो अवसा का इसका अर्थ होगा वो होगा रक्षणार्थम, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अग्रिम भी अधस्तन युग्मानाम समीचीना तालिकाम चिनुत, इसमें भी समीचीना तालिका चुननी है कि कौन सा जो इसमें ब्राह्मणों के बारे में बता रहा है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण है यानी कि ए का सीधे चौथा हो जाएगा। यजुर्वेद का कांड्व ब्राह्मण है यानी कि दूसरे का ए सही हो जाएगा। सामवेद का तांड्य ब्राह्मण है, फिर सी का दूसरा सही हो जाएगा। और फिर है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो इस तरीके से चार यानी कि ऋग्वेद का चौथा है और यजुर्वेद का यानी कि जो पहला है, तो इसी क्रम में यह बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अग्रिम प्रश्न हमारा है अधस्तनेन युग्मम योज्यम विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिनुत, इसमें भी कौन सा सूक्त किस मंत्र से संबंधित, यह बता। यह आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते, यह प्रजापति का है, सही लगाया है इन्होंने। अग्रिम है यह पार्थिवानी विममे रजांक्षी, यह विष्णु सूक्त का है। अग्रिम आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, यह विश्व देवो सूक्त में से है। और राजंतमध्वराणाम गोपा मृदस्य दीदिवम वर्धमानम श्वेदमे, यह अग्निसूक्त से है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, इस तरीके से जो विकल्प हमारा मिल रहा है, पहले का जो है वह तीसरा, तो ए विकल्प में तीसरा है। फिर उसके बाद दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला हमारे
ए विकल्प में ही है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा जिसमें निशान लगाया गया है। अग्रिम है निरुक्तम इति वेदांगस्य संबंधो, इसका निरुक्त का जो संबंध है किससे है, तो पद निर्वचनेन, सी विकल्प सही है। नचिकेतसः पिता कस्य यज्ञस्य आयोजनं कृतवान, इसमें उन्होंने किस यज्ञ का आयोजन किया, तो विश्वजीत यज्ञस्य, बी विकल्प हमारा सही होगा। अग्रिम है अधस्तनेषु कृष्णयजुर्वेदीया उपनिषद नास्ति, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद इनमें से नहीं है, तो केनोपनिषद, केनोपनिषद जो है वो सामवेद का उपनिषद है, तो यहाँ पर सी विकल्प हमें लगाना था। 51वां प्रश्न है अधस्तनेषु वाक्येषु सत्यम विकल्पम चिनुत, इसमें सत्य विकल्प चुनना है। होता इति अग्ने विशेषणम, मध्व उरुष इति विष्णु पदे विद्यते, वृद्धस्रवा इति विश्व देवा सूक्ते विद्यते, तो ये तीनों समुचित हैं, सही सूक्तियाँ हैं, तो 1, 2, 3 समीचीना तालिका, तो डी विकल्प इसका सही है। अग्रिम प्रश्न है अग्नेयम यज्ज्वमध्वरम विश्वतः परिभूरिष इद्देवेषु गच्छति अस्य मंत्रस्य ऋषिर्वर्तितः, तो अग्निसूक्त का यह मंत्र है तो इसके मधुच्छंदा ऋषि हैं, ए विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न हमारा है सायण भाष्य सहित ऋग्वेदम सर्वप्रथमम यह संपादयामास अस्ति, तो इसका संपादन सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने अंग्रेजी में किया था सायण भाष्य सहित, तो सी विकल्प सही है। अग्रिम है वैदिक काल निर्णय विद्वन मतेषु शुद्धम विकल्पम चिनुत, तो इसमें दोनों यह जो दिए हैं दोनों विद्वानों के मत वेदों के काल में, तो दोनों सही हैं, तो ए एवं 2 सत्यम कथनम अस्ति, डी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है प्रवीण इति पदम कयोः उदाहरणम अस्ति, तो यह अर्थ विस्तार यानी कि अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत जो अर्थ विस्तार आता है उसका है, तो दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, इसी क्रम में डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम है भगवत गीता अनुसारम समत्वस्य शब्दार्थ अस्ति, समत्वम योग उच्यते कहा गया है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है षड्विध सन्निकर्षेषु प्रथमः सन्निकर्षः कः, तो प्रथम सन्निकर्ष संयोग है, इस तरीके से संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवाय विशेषण विशेष भाव, इस तरीके से 6 सन्निकर्ष हैं, तो पहला संयोग है, ए विकल्प सही। अग्रिम है अधोलिखितेषु वेदांतमते असमीचीनम कथनम चिनुत, तो नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि बोला है तो यह गलत है, क्योंकि जहाँ है नित्यानि कर्माणि संध्या वंदना दीनी, ठीक है, तो इस नित्य कर्म है वह, तो इसका सी विकल्प सही है। अग्रिम है वैशेषिक दर्शनानुसारं सप्त पदार्थेषु न गण्यते, तो सप्त पदार्थों में यहाँ पर जो हैं पुरुष और अहंकार को नहीं गिना गया है, तो एक और चौथा गलत है, तो डी सी विकल्प सही हो जाएगा। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्ध्यतः कारणम, तो इसका कारण सही हो, ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रदीपवच्चार्थो वृत्ति ही, तो यह गुण की वृत्ति है प्रदीपवत्। अब है सांख्य मतेषु अधस्तनेषु प्रमाणम नास्ति, सांख्य के मत में इन चारों में से कौन सा प्रमाण नहीं है, तो उपमान प्रमाण को वह नहीं मानते हैं, उनका प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द मात्र यही 3 प्रमाण है। अग्रिम है अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ कोस्ति, तो जीवन मुक्त, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है गीतानुसारम स्थिति प्रज्ञ कीदृशो भवति, तो स्थिति जो स्थित प्रज्ञ है उसका लक्षण क्या है, तो सुखेषु विगतस्प्रिय, ठीक है, स्थिति प्रज्ञ। 66वां प्रश्न है पुष्पेभ्य स्पृहयति, इसमें संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है, तो संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र जो है वह है स्प्रेहे रीप्सितः। अग्रिम प्रश्न है जगतः कर्ता इत्यत्र जगतः पते सूत्र निर्देशः करणीयः, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, कर्त्री कर्मणो हो कृति ही। तो अग्रिम प्रश्न है हमारा 68वां अधो विन्यस्त युग्मानां परस्परं सुमेलनं कृत्वा शुद्धं विकल्पं चिनुत, अब यहाँ पर कुछ कारक के विशेषण दिए हैं और सूत्र दिए हैं, तो उनमें बताना है हमने हरये रोचते भक्ति ही, इसका जो हो जाएगा रुच्यरथानां प्रियमाणः, यानी कि एका दूसरा होगा, अहना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, इसका होगा अपवर्गे तृतीया। तीसरा है अभिनिवेशते सन्मार्गम, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिनिवेशश्च, क्योंकि ये तो सूत्र में भी उदाहरण का ही जैसा दृश्य दिख रहा है, यवेभ्यो गाम वारयति, इसका है वारणारथाम वारणारथानाम ईप्सितः, इस तरीके से डी का पहला सही हो जाएगा। इस तरीके से पहले का हमारा है यहाँ पर दूसरा, दूसरे का है
दूसरे का है तीसरा, तो पहला विकल्प लगभग सही है। अग्रिम प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रत्यान परस्परम सुमेलयतु तो शुद्धम विकल्पम चिन्ह। यहाँ पर शब्द में विकल्प बताना है। तो गृहम, गृहम में गेहे कह से क प्रत्यय होता है, ए का दूसरा हो जाएगा। मृज्यह में क्यप प्रत्यय है, फिर नंदनह में ल्युट प्रत्यय है, और नेत्रम में स्ट्रन प्रत्यय है। इस तरीके से इनको हम मिला सकते हैं। अग्रिम है, निर्जन इति पदे समास विग्रह स्यात्। निर्जन, इसमें जो समास होगा वो होगा निर्गता जनाः यस्मात्, बहुव्रीहि समास होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण निष्पन्नम पदम। तो अश्वपतम इससे बन, जैसे गण, जैसे इसमें गणपतम भी अग्रिम एक उदाहरण बनता है, और अश्वपत्यादिभ्यश्च अश्वपतम भी बनता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है, ग्रामीण पदे कह प्रत्यय। तो ग्रामीण पदे, यह यहाँ पर आयने इनी यह फड़ ख छ घाम प्रत्यादीनम, इससे इन यहाँ पर आदेश हो जाएगा खस खई के ख के स्थान पर, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, भू धातो हो आशीर लिंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। बड़ा ही सरल प्रश्न है, तो विधिलिंग आशीर लिंग में इसमें भूयात बनता है, डी विकल्प सही। अगली में, अद धातो हो लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन में लोट लकार के रूप बनता है अदाम, अदानी अदाव अदाम। 75वां प्रश्न हमारा, अधोलिखित सूचिद्वयम् सुमेलयन् शुद्धम विकल्पम चिनोतु। यहाँ पर सूत्र दिए हैं और उनकी क्रिया उनसे क्या होता है ये बताए। तो प्रातिपदिकम अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम है, ए का चौथा है। वृद्धि ही, तो आदेच वृद्धिर आदेच कहा है। फिर है पदम सुप्तिंगंतम पदम, और अचोन्त्यादि टिह। इस तरीके से विकल्प हमारा यह सी विकल्प सही होगा, यानी कि पहले का चौथा और बी का पहला, बिल्कुल बी का पहला और सी का दूसरा, इस तरीके से यह सी विकल्प सही। अग्रिम है, पूर्व रूप संधेर उदाहरणम अस्ति। तो हरे व यह पूर्व रूप संधि का ही उदाहरण है। अग्रिम है, छत्रोपाहनम इति पदे समासोस्ति। तो यहाँ पर छत्रोपानहम, यहाँ पर द्वंद्व समास है। अग्रिम प्रश्न है, तौ नगरम पश्यतः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यो भवति भविष्यति। इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो इसका जो हो जाएगा ताभ्याम नगरम दृश्यते। तो ए और बी विकल्प यहाँ पर दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें भी नगरम, इनमें भी नगरम दोनों में लिखा है, क्योंकि नगर शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। अग्रिम है, वो तो गुणवचनात्, इस सूत्र का जो उदाहरण है वो मृद्वी है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें ब्राह्मणाय हितम, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासो प्रयुक्तो भवति तो द्विगुरेक वचनम सह नित्यम। तो द्विगु समास इसमें होगा, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम है, राधा पत्रम लेखिष्यति। इसका वाच्य परिवर्तन यदि हम करते हैं तो राधया पत्रम लेखिष्यते, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो अदर्शनम लोपः, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, रिहलोरण्यत, इस सूत्र का उदाहरण है, बड़े ही अब सरल प्रश्न है लगभग कुछ दो तीन। फिर है रिहलोरण्यत, इसका जो सही उत्तर है इसका हार्यम है, ह्री धातु है इसमें, ए विकल्प सही। अग्रिम है, लक्ष्मी छाया, खेद है मुझे कि आपको उत्तर प्रश्न अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास। लक्ष्मी छाया इत्यत्र केन सूत्रेण तुग आगमः जातः। तुग का आगम किससे होता है, तो यहाँ पर पदांताद्वा, इस सूत्र से तुग का आगम होगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम है, 86वां प्रश्न आ गया है, यहाँ पर भी ये भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा गया, इसमें बताना है। तो प्रवीण जो है वो अर्थ विस्तार का उदाहरण है, पृथ्वी यह अर्थ संकोच का है, सही लगाया है इन्होंने। अब आकाशवाणी जो है वह अर्थादेश का है, अर्थादेश का आकाशवाणी हो जाएगा, और देवानाम प्रियः जो है वह है अर्थ अपकर्ष हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम हमें मिलाना पड़ेगा। तो प्रवीण पहले का पहला है और दूसरे का तीसरा है,
तो यहाँ पर डी विकल्प लगभग सही है, आप अन्य मिला सकते हैं स्वयं भी। साहित्यिक दृष्टिया सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवारों अस्ति, तो सबसे ज़्यादा समृद्ध परिवार भारूपीय परिवार को ही माना जाता है, ई विकल्प हमारा इसमें उचित है। अग्रिम 88वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु आर्य भाषा परिवारे न स्वीक्रियते, तो प्राकृत संस्कृत पाली ये सब आर्य परिवार में आते हैं, तमिल भाषा नहीं है। अग्रिम है यहाँ पर शुक्तियाँ हैं, इन शुक्तियों को कौन सी शुक्ति किस ग्रंथ से है वो मिलानी है। मम विरहजाम न तम वत्से शुचम गण इष्यसि, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है। अग्रिम यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः, यह उत्तर रामचरितम की शुक्ति है। भाग्य क्रमेण हिधनानि भवन्ति यान्ति, यह मृच्छकटिकम चारुदत्त का कथन है। आभाति मकर केतु पार्श्वस्थ चाप यष्टिरिव, यह हर्ष उदयन का कथन है, यह रत्नावली नाटिका से है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, ध्वनि नियम प्रवर्तका यथाक्रमम संयोजनीयम, जो ध्वनि के प्रवर्तक हैं विदेशी विद्वान उनका क्रम बताना है। पहला है ग्रेम नियम, फिर इसके बाद है ग्रासमान नियम, फिर इसके बाद है वर्नर नियम, फिर इसके बाद है तालब्य नियम। जो आपको दिखाई दे रहा है यह इन्होंने सही मिला रखा है, इस तरीके से बी विकल्प हमारा सही है। अग्रिम है अधोलिखितेषु युग्मेषु विषम अस्ति, अर्थात इनमें ऐसा कौन सा क्रम है जो गलत है। स्थूल शरीर आनंदमय कोश, ये पहला ही इनका गलत है, आगे बाकी ठीक हैं। तो अधिक देर न करते हुए, बाकी स्थूल शरीर को आनंदमय कोश से नहीं बनता है। अग्रिम प्रश्न है व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, बड़ा ही सरल प्रश्न है, तो इसका भी सी विकल्प सही हो जाएगा। नैयायिक मते साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, डी विकल्प सही हो जाएगा। नयवादो वैचारयुत सिद्धांत अस्ति, यह नयवाद जो सिद्धांत है यह जैन दर्शन का है, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है अधोलिखितानाम वाक्यानाम, यहाँ पर वाक्यों का सत्य बताना है कि इनमें सत्य कौन है। ज्ञानम करणम यथा निर्विकल्पक दृष्ट्या प्रमा फलम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम निर्विकल्पक रूपा फल, यहाँ पर दोनों गलत हैं, ए एवं दो असत्यम अस्ति, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है यहाँ पर यह दिख नहीं दे रहा है, इस प्रश्न के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बता नहीं सकता हूँ क्योंकि यह उपलब्ध कराने पर भी नहीं दिख पाया मुझे। यदि आप इस पर प्रश्न को जानना चाहते हैं तो आप टिप्पणी में बताएं कि यह प्रश्न क्या है, इसका उत्तर फिर बता दिया जाएगा। अग्रिम है बौद्ध दर्शनस्य मान्यः सिद्धांतः अस्ति, तो बौद्ध दर्शन का जो सिद्धांत है वह प्रतीत्य समुत्पादवाद है। अग्रिम है सांख्य मतानुसारेण अतीन्द्रिय पदार्थानां सिद्धिः केन प्रमाणेन भवति, तो पूर्व पद अनुमानेन, सी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्व पद अनुमानेन। अग्रिम है तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् इति वचनं कं प्रति केन उक्तम, तो यह इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, कृष्णेन अर्जुनं प्रति उक्तम। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः, यह जो उसका काव्य का लक्षण इत्यादि है ध्वन्यालोक की द्वितीय कारिका है यह, इसमें पूछ रहे हैं कि इत्यस्याम कारिकायाम प्रतिपाद्य विषयान यथाक्रमम संयोज्य शुद्धम विकल्पम चिनुता, शुद्ध विकल्प को चुनना, तो पहले अभाववादी हैं, फिर भक्तवादी हैं, फिर अशक्य वक्तृत्ववादी हैं, तो 3-1-2 इस तरीके से ए विकल्प हमारा सही हो जाता है। अग्रिम प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर ये 10 रूपक्षे या साहित्य दर्पण से कह सकते हैं, वैसे 10 रूपक्षे यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें है बीजम तो स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतु बीजम विस्तार्य अनेकधा, पहले का तीसरे से मिलेगा। फिर है नियताप्ति का होगा अपाया अभावतः प्राप्ति है निहताप्ति सुनिश्चिता, ठीक है, दूसरे का चौथा हो जाएगा। फिर है दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो अग्रिम इस प्रश्न पर भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यदि पहला और दूसरा मिल रहा है तो लगभग डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है अधस्तन युग्मानाम समुचिता तालिका संयोज्य, यह लक्षणा से पूछा गया, तो उपादान लक्षणा का यष्टयः प्रविशन्ति है, बिल्कुल सही है। लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोषः हो जाएगा, शारोपा लक्षणा का गौरवाहिकः हो जाएगा, और साध्य अवसाना का गौरयम हो जाएगा। तो पहले का चौथा है और दूसरे का पहला है और तीसरे का दूसरा, तो ए विकल्प हमारा सही है। अग्रिम प्रश्न है
अधस्तन युग्मानाम समुचिता तालिका योजयन शुद्धम विकल्पम चिनुद। तो यहाँ पर प्रमुख ये काव्यशास्त्री कवियों का परिचय दिया है, कवियों के नाम दिए हैं, इनके काव्य लक्षण बताने हैं। तो भामह का शब्दार्थ हो निर्दोष हो, यहाँ पर पंडित जगन्नाथ का मिलाते हैं पहले। तो पंडित राज जगन्नाथ का जो रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम है। मम्मट का तद्दोष शब्दार्थ सगुणा वर्णनकृति पुनः क्वापी है। वाग भट्ट का जो है वो शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः शालंकारो च काव्यम, ये वाग्भट का है, ध्यान रखें। और भामह का जो है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्द्युधा। इस तरीके से पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और फिर सी तीसरे का चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ए विकल्प हमारा सही है। अग्रिम प्रश्न हम देखेंगे, रूपक भेदानाम उदाहरणानि परस्परम सुमेलयन शुद्धम विकल्पम चिनुत। यहाँ पर शम्वकार का उदाहरण है समुद्र मंथन, एकदम बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। और व्यायोग का जो उदाहरण है वह सौगंधिका हरणम, प्रहसन का भी कंदर्प के लिए सही है, और डिम का त्रिपुर दाह है। यह इस तरीके से इन्होंने सही लगाए हैं दो, और व्यायोग को पहले से लगा देंगे, डिम को दूसरे से लगा देंगे, तो इस तरीके से बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। सुस्केन्दन अग्निवत स्वच्छ जलवत, यहाँ पर प्रसाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। यस्य न सविधे, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, वो भी लाटानुप्रास है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है, मधुद्विरेप कुसुमैक पात्र, इस पर मित्रों थोड़ा संशय है, इसमें मैं इसको रसाभास का उदाहरण कह सकता हूँ, फिर भी इस पर संशय है, स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊँगा। अग्रिम प्रश्न है 109वां प्रश्न है, इसको दिखाई नहीं दे रहा किंतु मैंने पढ़ लिया है। इसमें है शिशुपाल वधे, इसमें कह रहे हैं कि जो कृष्ण को नारद को जो भेजा था, किसका संदेश लेकर के नारद को भेजा था, तो इंद्रस्य, इसका बी विकल्प सही है, इतना जाने। अग्रिम है, इस प्रश्न को भी स्पष्ट रूप से मैं देख नहीं पाया, आप टिप्पणी में पूछें क्या है यह प्रश्न, मैं बताऊंगा आपको। अग्रिम है, नखलु धीमताम कश्चित अभिषयो नाम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम सारंगरव का कथन है, यहाँ पर सूत्रधार का नहीं है, सारंगरव का, सी विकल्प सही होगा। प्रसन्नाकांति हारण्यो, यह नल चंपू का प्रश्न है, इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम है, मेघदूते वर्णितम मेघम सम्मिश्रणम अस्ति तु धूम ज्योति सलिलमरिताम सलिलमरुताम सन्निपातः क्वमेघः, ए विकल्प इसका सही है। अग्रिम प्रश्न है, आर्तत्राणाय वह सस्त्रम न प्रहरतुम अनागशी, ये प्रथम अंक का ही है सूक्ति, सारंग यहाँ पर वैखानस का कथन है, यहाँ पर ये सी विकल्प सही। अग्रिम प्रश्न है, यत सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति मृच्छकटिकम में, यह चारुदत्त का कथन है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, हितोपदेश से प्रश्न हुआ था, व्याघ्र और गृदब की कथा विद्यते, इसका मैं निश्चित तो नहीं कह सकता हूँ, जहाँ पर मित्र लाभ में यह हो सकता है, सी विकल्प इसका अनुमानित सही है। नाहम मूर्तिम विक्रीणामी किंतु भिनदमी, बिल्कुल यह महमूद गजनव्या इसका कथन है, इसका सी विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न है, अबोधोपहताश्चान्य जीर्णमंगे शुभा शितम, ये नीति शतकम का कथन है, अग्रिम इसका डी विकल्प सही है अर्थात। अग्रिम प्रश्न 19वां है, क्रियाशयुक्त नृपचार चक्षुर नवंजनीया प्रभवो नुजीवी, इस प्रश्न से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रश्न बनाने वाले हैं वो लगभग शायद एक बुद्धि वाले हैं, इन्होंने भी यही ऐसा पूछा है इसी से, लेकिन प्रश्न अलग है लेकिन विषय वही है, तो इसका देखा जाए तो बहुव्रीही समासी सही है, तो डी बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का TGT में प्रश्न जो पूछा था उस पर अभी भी विवाद चल रहा है। अग्रिम है, उत्तर रामचरिते वर्णिते द्वितीयोंको विष्कम्भक समाप्त्यानंतरम रंगमंचे कः प्रविशति, तो जब विष्कम्भक समाप्त होता है तो तमसा का प्रवेश होता है, तीसरा अंक आरंभ होता है, तो इस तरीके से बी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को मैंने आप सभी के सामने उपस्थित किया, यदि फिर भी किसी प्रश्न में संकोच हो तो आप टिप्पणी में पूछ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।